अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं पालकोंडलु वाटरफॉल्स। बारिश हो रही थी तो हमने सोचा कि अभी तो वाटरफॉल्स में पानी भी होगा, तो वैसे भी अब हॉलीडेज ख़त्म होने को आ ही रहे हैं, कहीं गए नहीं, तो इसलिए यहाँ पे प्लान बना लिया, सडन प्लान। जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो बारिश ने वेलकम किया। ज़्यादा देर भी नहीं था, बस 5 या 6 मिनट्स तक हुई, फिर अपने आप चली गई। और हम लोग ऐसे ही चलते गए, बहुत बहुत दूर था वो। लेकिन एक बात बताऊँ, हम जिस दिन गए थे वो संडे का दिन था और हॉलीडेज थे, तो इतना रश, इतना क्राउड था कि हम लोगों को भीगने का मौका भी नहीं मिला। इतने लोग आते थे जिसे कोई हद नहीं है। फिर जब इवनिंग हुई तो हमने सोचा कि अब घर क्यों जाए, सीधा कहीं और चल दें, इसलिए फिर से हमने अपना रास्ता चेंज कर दिया नगरवनम के लिए। फिर वहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय किया, वहाँ पे भी इतना ही क्राउड था। ऑफकोर्स हॉलीडेज हैं तो कहीं भी चले जाओ आपको लोग तो मिलेंगे, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी, कौन सा भी वेदर हो, हॉलीडेज मतलब पब्लिक इज देयर। और यहाँ पे हमने एक प्यारी सी क्यूट पर्शियन कैट को देखा, जो कि माशाल्लाह बहुत क्यूट है, मुझे तो बहुत पसंद आई। लेकिन तारीफ़ की बात यह है, वहाँ पे इतना क्राउड था फिर भी इस कैट को फ़र्क ही नहीं पड़ा, बिंदास एंजॉय किया इसने। फिर वो लोग भी चले गए, फिर हमने भी थोड़ी देर फ़ोटोज़ वगैरह लेके हम रिटर्न घर पर आ गए। वन मोर थिंग गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को आपके फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दो। अगर आप लोगों का पालकोंडलु जाने का प्लान है तो मैं इतना बता दूं कि वीकेंड्स में मत जाना, वर्किंग डेज में जाना, एंजॉय कर पाओगे थोड़ी।